सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो आदमी अपने करीब है हमारा कहना मानने का, हमारी बात को सुने का, उसे वोट देगा। कैंडिडेट कौन मजबूत है वैसे ज्यादा? वो फिलहाल तो मजबूत ही दिख रहा है राणा ही। साइकिल जीत रही है? जीत रही साइकिल, जीत रही साइकिल। हाँ, लेकिन रालोद भी तो कह रही है कि भाई हम भाईचारा कायम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे। चंदन चौहान भी वादे कर रहे हैं। चौहान को तो पहले जिता के भेज दिया, जब कुछ नहीं करा उन्होंने तो। कितनी बार आया आपके क्षेत्र में चौहान साहब? एक दो बार या फिर आया ही नहीं। खेती में नुकसान चल रहा है। अच्छा जी, कोई भाव नहीं बढ़ा रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। साइकिल की तरफ क्यों इतना रुझान जो है कर रहे हो? रियासी भी ठीक है, अपना काम वाम भी कर रहे हैं, पहला बर्तावा भी है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी मीरापुन विधानसभा के गांव जोली में हैं। गांव जोली में हम जो है यहां पर एक चाय की टपरी है जिसमें यहां जो है सभी समाज के लोग बैठे हैं। मीरापुर उपचुनाव जल्दी होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, 2022 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, यहाँ से जो है विधायक जो बने थे चंदन सिंह चौहान जी बने थे, जो कि रालोद और समाजवादी गठबंधन से थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने जो है बीजेपी के साथ अपना गठबंधन कर लिया था, जिसके बाद जो है चंदन सिंह चौहान जी को जो है बिजनौर से सांसद का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि जो वो सांसद ही जीत गए, जिसके बाद जो है मीरापुर की जो है सीट खाली हो गई। लेकिन इस बार जो है यहाँ से आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, जिससे मिथिलेश पाल जी चुनावी मैदान में, वहीं समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से जो है कादिर राणा की पुत्रवधु सुम्बुल राणा जी मैदान में है, और आज़ाद समाज पार्टी से जो है जायद हुसैन है, और बसपा से जो है सानवाज जी जो चुनाव में है। यहाँ पर हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं। तो चुनाव के बारे में बात करते हैं कि इस बार जो है क्या चुनावी माहौल रहेगा, क्या मानना है इस बार चुनाव को लेकर। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? मेरा नाम इरशाद है जी। अच्छा इरशाद जी कहाँ से? यहीं से हो? जोली से है जी। अच्छा क्या करते हो? अपना यही मजदूरी सजदूरी कर रहे हैं जी। अच्छा चुनाव आ रहे हैं, सभी जो है चुनाव की तैयारी भी है, 13 में है, तो क्या सोच रहे हैं इस बार यहाँ गांव के लोग या अलग अलग समाज के लोग? देखो जी, और तो वैसे गांव में से तो सभी पार्टियों को जा, खास करके तो सभी का ही निकले थोड़े थोड़े, थोड़े तो बाकी ज़्यादा रुझान तो साइकिल की तरफ ही है। अच्छा हाँ, तो क्या समाज का ही रुझान जो है साइकिल की तरफ है या अदर भी समाज जो है आ रहा है? नहीं, अदर भी जा समाज वैसे भी लोग भी सभी हो, जो पार्टी से जुड़े हुए जहाँ हों वहीं वोट देवे और सभी कर देवे, एक समाज से तो कुछ होता ही नहीं, सभी देवे। तो क्या साइकिल की तरफ क्यों इतना रुझान जो है कर रहे हो? रियासी भी ठीक है, अपना काम वाम भी करे, पहला बर्तावा भी है। अच्छा, अच्छा पहले कहाँ वोट किया था आपने मीरापुर के लिए? मीरापुर में पहले हाथी पकड़ा था जी। अच्छा हाथी पकड़ा था। हाँ, और इस बार? इस बार तो साइकिल पकड़े हैं। इस बार हाथी पर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हाथी में कुछ निकला क्या हाथी का, हमारी वोट भी बेकार चली गई। अच्छा, लेकिन पिछली बार तो अगर देखे रालोद और समाजवादी का गठबंधन था जब चंदन चौहान जी यहाँ से जीते थे, जब तो उसी दिया था चंदन को ही। अच्छा, तो लोकसभा में आपने हाथी को दिया था? हाँ, लोकसभा अब एमपी के वे। अच्छा, इनमें हाथी पे चला गया था। अच्छा, हाँ, कामयाब नहीं रही वोट? ना, बेकार गया जी काम। तो क्या लगता है काम हो पा रहा है? महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है? भाई देखो महंगाई तो है ही जी, क्या करे, अपना चला काम तो वो लोगों का। ताऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल है जी। अच्छा कहाँ से? यहीं से हो? जी हाँ जोड़ी। क्या करो? करो अभी खेती बाड़ी कर रहे थे। अच्छा कैसा लग रहा खेती? बढ़िया मजा आ रहा खेती में या महंगी हो रही है? खेती में नुकसान चल रहा था। अच्छा जी, कोई भाव नहीं बढ़ा रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अच्छा जी, कह रहे थे कि 400 पार कर गए, वही नहीं बोलो? अजी कहाँ हो यार, 400 पार क्या, 200 ही रहा या तो 200 ही बोलो, मैं 200 रुपये चल रहा हूँ। अच्छा, तो चुनाव आ रहे हैं, रालोद भी है, समाजवादी है, किंगा लग रहा है साहब? बहुत देखो ये तो 4-5 पार्टी हैं। हाँ तो वोट तो थोड़े थोड़े सबको ही मिलेंगे। हाँ अगर ज़्यादा जो जोर है टक्कर है वो साइकिल और नलके की। अच्छा आपका किधर हो जाना है वैसे? भाई हमारा तो नलके पे है। अच्छा रालोद हो? हाँ, लेकिन वो तो सर भाजपा के साथ मिल के जाकर।
अब वो मिलने वो तो बड़े नेताओं की बात है जी, हम तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं, करना खाना हमें जी, और नेताओं की बात हो। अच्छा, नेता तो ये कोई कहीं चला जा, कोई कहीं चला जा। अच्छा, जैसे गठबंधन हुआ रालोदगर भाजपा का, तो जाट समाज पर कितना फर्क पड़ा, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी सीट हराया दीपक का तो। हाँ, थोड़ा जाट नाराज होया तो फर्क पड़ा जी इस बात का भाई। तो आप जाट समाज से हो? हाँ जी, जाट समाज। तो क्या चौधरी साहब की वजह से उधर जाना हो रहा है, या बस जब गठबंधन हुआ इसी वजह से जा रहे हैं? गठबंधन की वजह से जा रहे हैं, रालोद ही हैं हम। हम रालोद के हैं, रालोद के पहले से हम रालोद। अच्छा अच्छा, जो उम्मीदवार है बहुत सारे लोग जो है नाराज भी है कि भाई मिथिलेश पाल से टिकट नहीं दिया जी, तो क्या जाट भी नाराज हो रहे हैं, गुज्जर भी नाराज हो रहे हैं? जाट में कह रहे भाई हमें जो है हमारा कैंडिडेट को नहीं उतारा। अरे वो थोड़े बहुत, ये तो सभी देखो, एक टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, चाहे किसी को मिल जाओ, तो ये थोड़ी बहुत नाराजगी है, हो जाएगी, दूर हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमारे साथ एक जो है समाजवादी और एक रालोद। अपना सारागर। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, यहाँ तो एक तो कह रहे भाई समाजवादी, वो कह रहे आरएलडी, आप क्या सोच रहे? सबको मिलेगा जी, वोट तो सभी तरह को हो। अच्छा हाँ, कैंडिडेट कौन मजबूत है वैसे ज़्यादा? वह फिलहाल तो मजबूत ही दिख रहा है राणा ही। अच्छा, राणा जी की तरफ जा रहे ज़्यादा? हाँ, वोट सबको मिलेंगे। लेकिन रालोद भी तो कह रही है कि भाई हम भाईचारा कायम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे, चंदन चौहान भी वादे कर रहे हैं। चौहान को तो पहले जिता के भेज दिया, जब कुछ नहीं करा उन्होंने। तो कितनी बार आए आपके क्षेत्र में चौहान साहब? एक दो बार या फिर आया ही नहीं। अच्छा, आए नहीं, फिर नहीं जिता के उसे भेजा, कोई नहीं आया फिर। अच्छा, जो कह रहे हैं भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई जो है टिकट सही नहीं दिया इस बार मिथिलेश पाल जी को, और चार मुस्लिम उम्मीदवार। तो ठीक है, वो भी टिकट में क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, चार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, तो बंटवारा नहीं होगा मुस्लिम वोटर का? हाँ, फटेंगे जी सालों में जाएंगे, तो फिर ऐसे तो मिथिलेश पाल जीत जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप तो अभी कह रहे थे कि वो सर देंगे, वोट तो सही देंगे, ज्यादा रुझान उसी का। अच्छा, उसी का ही है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मोहम्मद साहिब। अच्छा साहिब। हाँ जी साहिब जी, चुनाव आ रहे, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? कादिर राणा को देख रहे। अच्छा, लेकिन कादिर राणा तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वो लड़ रही लड़ रही दे तो साइकिल को रहे। अच्छा, क्या देख गया साइकिल को? जो साइकिल नलका भी तो है, नलके को भी पहले दे रखी वोट 22 में, साइकिल जीत रही जीत रही साइकिल। हर वोट नलके क्यों नहीं दे रहे? नलके को तो वोट दी थी 22 में, नलके को भी दे रही पब्लिक, दे तो दोनों को रहे। 22 में कहाँ करा था वोट? 22 में जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते, कहाँ वोट करी थी? जब इसे दी थी क्या ना, चंदन को कहा इसे, मायावती को। अच्छा, मायावती को। नहीं, जो 2022 में हुए थे या 24 में हुए थे, इसमें दी होगी हत्ती को आपने? हाँ, कोई नहीं, इसमें मिथिलेश को दी थी। अच्छा, नमस्कार भाई जी, आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। अच्छा, यहीं से हो? नहीं, कमेडे से। अच्छा, मीरापुरी तो लगा है विधानसभा जी, जी, जी। आप क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? कादिर राणा को देख रहे जी। अच्छा जी, ऐसा क्या देख रहा है कादिर राणा में? कादिर राणा को जा रहे एक तरफ सब लग रहा था, क्या देख रहे कादिर राणा को? अच्छा, अरे जुगाड़ बता, पर रालोद लग रहा जी, ऐसा क्यों भाई? ऐसा है जी। अच्छा जी, कादिर राणा की तरफ जा रहे हैं जी। आगे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। नमस्कार जी, भैया नाम आपका? अर्शद। अच्छा, यहीं से हो जी? हाँ। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव है, तो मिथिलेश पाल है, कादिर राणा के पुत्र वधु है, सुमूल राणा, आज़ाद समाज पार्टी भी है, तो क्या देख रहे हैं इस बार, कहाँ लग रहा रुझान? बस जो अच्छा लगेगा उसे देंगे भाई, और जो भी काबिल लगेगा, जो अपने करीब है, अपने करीब वालों को ही वोट दिया जा भैया, जो अपने करीब है, अपने पास है, अपनी बात सुन लेगा उसे, अब दूसरा हमारी बात नहीं सुनना तो उससे क्या फ़ायदा वोट देगा पार्टी से किसी से भी हो। हमारा तो ये कहना है, जो आदमी अपने करीब है, हमारा कहना मानेगा, हमारी बात को सुनेगा, उसे वोट देगा। आपके करीब कौन है फिलहाल वैसे? बस कोई भी हो, जो जिसे भी देखेंगे, अन्य हमारा कोई पार्टी से कोई वो नहीं है, ना हम कादिर राणा की पार्टी का वो बुरा करे, ना हम किसी की पार्टी का वो नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे करीब है, हमारी बात सुन सके, उसको वो करेगा। लेकिन चार फिलहाल जो है, चार प्रत्याशी मैदान में है, ज़्यादा रुझान किसका लग रहा है? कादिर राणा जी है भाई, किसी को नहीं कह सकते हम। अच्छा, जो अपनी बात थी वो बात बता दी आपको, अपनी अपनी मर्जी की बात है, वोट का मालिक हर आदमी अपनी अका। बिल्कुल,
वो किसी का जय कहो किसी को भी और वो दे दे किसी और को, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हमने तो जो बात बतानी थी वो बता दी, जो करीब है उसे हो जाएगी बात थोड़ी सी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जावेद हुसैन। अच्छा जावेद हुसैन जी, चुनाव आ रहे हैं, सब प्रत्याशी फिर रहे हैं, रैलियाँ पर रैलियाँ हो रही, क्या लग रहा आप तो वैसे भी नेता टाइप लग रहे हैं, कुर्ता वुर्ता पहन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बताऊं, क्या लग रहा चुनाव में? वैसे चुनाव में तो यही हो रहा है, कादिर राणा भी भाई। अच्छा कादिर राणा जीत रहे हैं, रालोद भी है पर मैदान में, तो रालोद और भाजपा भी है मगर। हाँ रालोद भाजपा भी है, लेकिन कादिर राणा में ऐसा क्या लग रहा जो सुम्बुल राणा को पसंद कर रहे हैं भाई? पसंद नहीं कर रहे, जो अपने काम आवे वो अच्छा है। अच्छा हाँ, जो अपने काम आए सुविधा अच्छी तरह करे, गांव समाज में काम करे, उसके लिए अच्छा ही जाएगा। अच्छा पहले यहाँ से जो है विधायक जी रहे आपके चंदन सिंह चौहान, इस बार सांसद भी आपके चंदन सिंह चौहान ही है, तो क्या आपके बीच में आए वो कभी? हाँ क्यों नहीं आए, अच्छा आते रहे, फिर भी वोट जो है आप उधर दे रहे समाजवादी को? भाई अपनी अपनी पसंद है फिर। अच्छा अपनी पसंद है। हाँ जो हमारी पसंद में आ रहा है, जो हमारे लायक समझे हम यही देना चाह रहे। हम अभी मीरापुर विधानसभा के जोलो गांव में थे, यहाँ पे हमने जो है लोगों से बात की, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है समाजवादी की तरफ है, जो कि कादिर राणा की पुत्रवत सुम्बुल राणा को जो है वोट करने को कह रहे हैं। खैर बाकी तो 13 तारीख को पता चलेगा, 13 तारीख को चुनाव है, 15 को पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहे CCU से, खबरें आप तक आती रहिए। धन्यवाद।